इस वीडियो में हम आपको संभावित क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक के बारे में बताएंगे। इसे सीखकर आप अल्टिमा टोकन ज्यादा कुशलता से खरीद और बेच सकेंगे। हम क्रिप्टो एक्सचेंज पर ऑर्डर लगाने की रणनीति के बारे में बात करेंगे, इसलिए हम पहले आपको थ्योरी बताएंगे। ऑर्डर यह क्रिप्टोकरेंसी खरीदने या बेचने का आपका व्यक्तिगत ऑर्डर है। सबसे पहले उन्हें मार्केट ऑर्डर और पेंडिंग ऑर्डर में विभाजित किया जाता है। मार्केट ऑर्डर तब कहा जाता है जब आप सीधे एक्सचेंज टर्मिनल में लेन देन खोलने के लिए ऑर्डर लगाते हैं और इसे वर्तमान कीमत यानी मार्केट प्राइस के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए। पेंडिंग ऑर्डर तब कहा जाता है जब आप पहले से किसी निश्चित पॉइंट पर ऑर्डर लगाते हैं और इसे तब पूरा किया जाएगा जब कीमत उसमें निर्दिष्ट कीमत के करीब पहुंच जाएगी। आप ऑर्डर के पूरा होने को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देते हैं। हम आपको जिस रणनीति के बारे में बताने जा रहे हैं वह पेंडिंग ऑर्डर के उपयोग पर आधारित है। कृपया ध्यान दें कि यह वीडियो वित्तीय सलाह नहीं है। हम आपको केवल बाजार में उपलब्ध रणनीतियों में से एक के बारे में बताने जा रहे हैं। इसका पालन करना है या नहीं, यह निर्णय आपका है। इस प्रकार सबसे पहले मार्केट प्राइस पर न बेचें, उच्च बिक्री मूल्य के लिए एक पेंडिंग ऑर्डर लगाएं। सबसे अच्छा समाधान यह होगा कि बाजार मूल्य से 5 से 10% ज्यादा कीमत पर ऑर्डर लगाया जाए। इससे बाजार को स्पष्ट संकेत मिलेगा कि अल्टिमा का मूल्यांकन कम किया गया है और यह टोकन मूल्य को ऊपर लेकर जाने के लिए एक प्रेरणा बन जाएगा। दूसरा, औसत रणनीति का उपयोग करें। दूसरे शब्दों में लैडर तकनीक का इस्तेमाल करके खरीदें और बेचें। हम औसत रणनीति उसे कहते हैं जब आप किसी विशिष्ट कीमत पर एक नहीं बल्कि अलग अलग कीमतों पर कई ऑर्डर लगाते हैं। उसी प्रकार जब एसेट्स ज्यादा होते हैं तो यदि आप एसेट्स लैडर तकनीक से खरीदते हैं तो आपको जल्दी लाभ मिलेगा। यदि यह बाजार में आपका पहला दिन नहीं है तो संभवतः आपने ऐसी स्थिति का सामना किया होगा जहां किसी एसेट को बेचने के बाद वह इस तरह बढ़ने लगता है जैसे कि आपको परेशान कर रहा हो। यह रणनीति जब आप ज्यादा कीमत पर कई ऑर्डर लगाते हैं आपको ऐसी निराशाओं से बचाती है। निःसंदेह हर किसी का सपना होता है कि वह सबसे निचले स्तर पर एक टोकन खरीदे और उसे सबसे ऊंचे स्तर पर बेचे, लेकिन याद रखें यह लगभग असंभव है। यहां तक कि बड़े खिलाड़ी व्हेल जिन्होंने क्रिप्टोकरेंसी में अरबों डॉलर का निवेश किया है लैडर तकनीक से खरीदते और बेचते हैं। कोई भी कीमत के निचले और सबसे ऊपरी स्तर का अनुमान नहीं लगा सकता। एक अच्छी रणनीति लैडर की तकनीक से 20% के ऑर्डर आकार के अंतर के साथ उच्च कीमत पर अल्टिमा को खरीदना और बेचना एक अच्छी रणनीति होगी। क्रिप्टो बाजार में सफल होने के लिए आपको यह समझना होगा कि प्रतीक्षा करना पूरी तरह से सामान्य है, इसलिए हमेशा अल्टिमा को कई भागों में ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बेचने का प्रयास करें। यदि आप लंबी अवधि के लिए पैसा कमाने में रुचि रखते हैं तो आप अल्टिमा को समान मात्रा में नियमित रूप से और निश्चित अंतराल पर खरीद सकते हैं। इसलिए यदि आप निर्णय लेते हैं कि पहली तारीख को आप अपने पोर्टफोलियो के लिए $100 की कीमत का अल्टिमा खरीदते हैं तो आपको उस $100 को कई वर्षों में खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह राशि अलग अलग होती है। कुछ लोग हर महीने $50 निवेश करते हैं, कुछ लोग $5,000। यह एक बहुत ही लचीली रणनीति है और आप इसे आसानी से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपना सकते हैं। भले ही आप देखते हैं कि टोकन की कीमत में काफी गिरावट आई है, निवेश करना जारी रखें और इसे सस्ती कीमत पर खरीदते रहें। जब टोकन ऊपर जाएगा तो आपको बेहतरीन मुनाफा होगा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम परिणाम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब लाखों लोगों की पूरी अल्टिमा कम्युनिटी इस रणनीति का पालन करेगी। कल्पना कीजिए, एक्सचेंज पर ऊंची कीमत पर 10 लाख से ज्यादा ऑर्डर दिए जाएंगे। यह बाजार के लिए एक संकेत होगा कि अल्टिमा का मूल्यांकन कम किया गया है और यह टोकन को शक्तिशाली बरहत देगा। इसलिए सिफारिशों का सख्ती से पालन करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना सभी के लिए फायदेमंद है।